चौथा दौर जिसकी नई शक्ल सिर्फ बदल गई है, पूरे आलम इस्लाम में हुकूमत में वही लोग बैठे हैं, अदल बदल वो करवाते रहते हैं, एक ज्यादा बदनाम हो गया या हो गई, चलो इसको हटाओ दूसरा ले आओ, कुछ दिनों के बाद उसे ज्यादा बदनाम हो जाएगी या हो जाएगा, तीसरे को ले आएंगे। इलेक्शन कराते रहो, ये इसी में मगन रहे, इलेक्शन मिंबरी कुर्सी सदारत बनाए, खूब आजादी ने फंदे उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे, ये इकबाल कह के गया है, लेकिन लगाए रखो, इन्हें क्रिकेट के मैच में उलझाए रखो, देखते रहे सुबह से शाम तक बैठे हुए, उन्हें पता ही ना चले कौन हमारा खून चूस रहा है, कितनी जूके लगी हुई है मेरे जिस्म के साथ और वो मेरे खून को चूस रही, उन्हें पता ही ना हो, बस रखो। इकबाल ने जो कहा था ना, मस्त रखो जिक्रो फिक्र सुबह गाई में इसे, उससे कहीं ज्यादा लज्जत जो है वो मैच देखने में आ रही है, लगाओ इनको, तरह तरह के नाम से जो है जुए के अंदर लगाओ। ये तमाम धंधे इसलिए हैं, ये इसमें मगन रहे हैवानों की तरह का। और ये भी नोट कर लीजिए, ये भी उनके प्रोटोकॉल में है, अखलाकी एतबार से इन्हें करप्ट कर दो, इन्हें तमीज न रहे बेटी में और बीवी में, इन्हें तमीज न रहे मर्द और औरत में, हैवान, बिल्कुल हैवान, हैवान बना दो। इंसानियत कहीं रह गई तो किसी और बगावत का अंदेशा है, औरत को बाहर निकालो घर से, उसे शमे महफिल बनाओ, उसे हथियारों, उसे इश्तहारों का मौजू बनाओ, मोटरसाइकिल का इश्तहार है तो औरत, चाय का इश्तहार है तो औरत, ये सारे खेल यूं ही नहीं हो रहे, प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ द ज़ायन 1897 के, उनके उनका जरा मुशाहिदा कीजिए तो मालूम हो जाएगा जो कुछ हो